तो हेलो एवरीवन, आपकी फरमाइश पे मैंने ये कंपैरिजन वीडियो बनाई है, तो लाइक करके सपोर्ट कर देना ताकि मैं आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें सुन लो ताकि तुम वीडियो के टाइम पे कंफ्यूज ना हो और कमेंट में लड़ो ना। ये वीडियो कंपैरिजन बेस्ड होगी, मतलब एक तरीके से बैटल होगा थॉर वर्सेस सुपरमैन का। इस बैटल में कोई रूल्स नहीं है, ये बैटल सिर्फ मूवीज के बेसिस पर होगा, कॉमिक्स के बेसिस पर नहीं होगा, तो ये पहले ही सुन लो। इस बैटल में कोई भी फॉर्म नहीं ली जाएगी, ये बैटल सीधा इन सुपर हीरोज की एक्सट्रीम फॉर्म में होगा जो हमने मूवीज में देखा है। मैं तरह तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रखूंगा और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे 10 पॉइंट, जिसमें से जैसा जैसा जो परफॉर्म करेगा उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे और लास्ट में पॉइंट्स के बेसिस पर विनर डिसाइड किया जाएगा। टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और एक होगी ऑडियंस पोलिंग, जो कि मैं वीडियो आने से पहले अपने चैनल पर डाल दिया करूंगा कम्युनिटी टैब में। तो उस पोलिंग में जो सुपर हीरो जीतेगा उसको उस हिसाब से पॉइंट मिला करेंगे। तो तुम मेरे चैनल पर जाके कम्युनिटी टैब में पोलिंग कर सकते हो ताकि तुम अपने सुपर हीरो को सपोर्ट कर सको। तो चलिए बैटल शुरू करते हैं सुपरमैन और थॉर का। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है पावर। सबसे पहले बात करेंगे सुपरमैन की पावर्स की। तो सुपरमैन उड़ सकता है, उसके पास एक्सरे विजन है जिससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार देख सकता है। सुपरमैन के पास हीट विजन भी है जिससे वो लेजर बीम छोड़ सकता है। बाकी कोल्ड ब्रेथ, एनहेंस्ड हियरिंग और उसके पास हीलिंग पावर भी है। और वहीं अगर थॉर की पावर्स की बात करें तो थॉर को गॉड ऑफ थंडर बोला जाता है क्योंकि वो बिजली को कंट्रोल कर सकता है और उसका यूज भी कर सकता है, और वो एक गॉड भी है जिसकी वजह से अमर है। और साथ ही साथ बाकी ये स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बायफ्रॉस्ट हो सकता है, कहीं भी रिपोर्ट हो सकता है, क्लाउड फॉर्म करके थंडर अटैक भी कर सकता है किसी पर भी, और म्योनीर या स्टॉर्म मेकर का यूज करके ये उड़ भी सकता है। अब बारी आती है पॉइंट्स की। तो पावर में सुपरमैन थोड़ा सा आगे निकल गया थॉर से। तो सुपरमैन के 10 में से 10 पॉइंट्स हैं और थॉर के 10 में से 8 पॉइंट हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक है स्पीड। अगर सुपरमैन की स्पीड की बात करें तो सुपरमैन 770 माइल्स पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है, जो कि कुछ इतना होता है किलोमीटर पर आवर में। मतलब सुपरमैन को 1 सेकंड लगेगी अर्थ से स्पेस में जाने में। और वहीं अगर थॉर की स्पीड की बात करें तो थॉर इंडिविजुअली 300 किलोमीटर पर आर की स्पीड रखता है। और वहीं पर अगर थॉर म्यूनियर के साथ फ्लाई करेगा तो वो भी सुपरमैन के अप्रोक्स आ जाएगा स्पीड में, क्योंकि म्यूनियर की स्पीड भी 770 माइल्स पर आवर होती है। लेकिन थॉर के खुद के मूवमेंट 300 किलोमीटर पर आर हैं, और वहीं सुपरमैन बिना किसी ऑब्जेक्ट के 770 माइल्स पर आर की स्पीड से मूवमेंट दे सकता है। तो कहीं ना कहीं सुपरमैन थोड़ा सा आगे है स्पीड में थॉर से। तो जैसा मैंने बोला था कि इस वीडियो में कोई भी लिमिट नहीं होगी, तो थॉर को भी म्यूनियर के साथ लिया जाएगा स्पीड में। तो सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट और थॉर को मिलते हैं 10 में से 8 पॉइंट। अगली कैरेक्टरिस्टिक है ड्यूरेबिलिटी। तो मैं तुम्हें ड्यूरेबिलिटी का मतलब बता दूं तो ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, मतलब कौन कितना टिकेगा अगर इनमें बैटल हुआ तो। सुपरमैन की बात करें तो उस पर इतने बड़े बड़े अटैक हुए हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ा और कोई भी घाव नहीं आया, और वहीं न्यूक्लियर अटैक को भी वो झेल गया था सुपरमैन। वहीं थॉर पर थैनोस ने पावर स्टोन का यूज किया था तो थॉर उसको झेल गया था, साथ ही साथ नियोन स्टार की हीट एनर्जी को भी झेल गया था आराम से, स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से वो हील भी हो गया था बाद में। तो सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट और थॉर को मिलते हैं 10 में से 9 पॉइंट्स। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सपीरियंस। अगर फाइट के एक्सपीरियंस की बात करें तो वो पता चलता है सुपर हीरो की एज से। तो वहीं इसी हिसाब से देखा जाए तो सुपरमैन के पास 80 साल का एक्सपीरियंस है और थॉर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है। तो थॉर को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट और सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 6 पॉइंट्स, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगली कैरेक्टरिस्टिक है आईक्यू और विल पावर। अगर सुपरमैन के दिमाग की बात करें तो वो बहुत शांत रहता है और अपनी फाइट में भी बहुत फोकस्ड रहता है। वहीं अगर थॉर की बात करें तो थॉर की विल पावर बहुत ज्यादा है, क्योंकि विल पावर की वजह से ही थॉर म्योनीर के लिए वर्दी था। अब सुपरमैन वर्दी है या नहीं ये तुम मुझे कमेंट में बताना। वैसे इस कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों बराबर ही हैं, तो दोनों को 10-10 पॉइंट मिलेंगे। अगली कैरेक्टरिस्टिक है वेपन्स। अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन के पास कोई भी वेपन नहीं है, पर उसकी बॉडी ही उसका सबसे बड़ा वेपन है। और वहीं थॉर के वेपन्स की बात करें तो थॉर के पास दो मेन वेपन्स हैं, पहला है म्योनीर और दूसरा है स्टॉर्म ब्रेकर, और दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। तो थॉर को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट और सुपरमैन पर कोई वेपन ना होने की वजह से उसे मिलते हैं 10 में से 5 पॉइंट। 5 पॉइंट उसकी बॉडी पावर उसके वेपन की तरह यूज करने के लिए। अगली कैरेक्टरिस्टिक है बैटल आईक्यू। तो जैसा हमें पता है सुपरमैन के पास 80 साल का एक्सपीरियंस है और थॉर के पास 1500 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सुपरमैन फाइट को बहुत सही तरीके से कंट्रोल करता है और वहीं थॉर 1500 साल से फाइट करता आ रहा है। तो थॉर को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट्स और सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट, क्योंकि ये बात आ गई है क्वालिटी और क्वांटिटी की। अगली कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेंथ। अगर सुपरमैन की स्ट्रेंथ की बात करें तो सुपरमैन वर्चुअली लिमिटलेस है, मतलब ये कुछ भी उठा सकता है। अगर इसकी दम की बात करें तो सुपरमैन 2 बिलियन टन तक आराम से उठा सकता है। सुपरमैन ने एक बार एक प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट तक हिला दी थी और एक शिप को आराम से खींच लिया था। और वहीं थॉर की स्ट्रेंथ भी कम नहीं है। थॉर ने स्टॉर्मब्रेकर को बनाने के लिए अपने फोर्स से इतना बड़ा इंजन को भी चलाया था और लव एंड थंडर में एक स्पेसशिप को भी आराम से खींचा था। तो सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट और थॉर को मिलते हैं 10 में से 7 पॉइंट। अगली कैरेक्टरिस्टिक है वीकनेस। अगर सुपरमैन की बात करें तो सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट, जिसकी वजह से थॉर सुपरमैन को आराम से हरा सकता है। और वहीं अगर थॉर की बात करें तो थॉर की कोई भी वीकनेस नहीं है जो कि उसे प्लस पॉइंट देता है। तो सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 4 पॉइंट और थॉर को मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। और लास्ट में है ऑडियंस पोलिंग। ये पोलिंग हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में होती है, जहां आप अपने सुपर हीरो को सपोर्ट कर सकते हैं जिताने में। तो उस पोस्ट पर सुपरमैन को मिले थे 13% वोट और थॉर को मिले थे 87% वोट। तो सुपरमैन को मिलते हैं 10 में से 2 पॉइंट और थॉर को मिलते हैं 10 में से 8 पॉइंट। अब हम इस बैटल के टोटल पॉइंट देखें तो सुपरमैन के टोटल पॉइंट है 100 में से 77 और थॉर के टोटल पॉइंट है 100 में से 90। तो इस वीडियो का विनर है थॉर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बैटल देखने के लिए। अगर तुम्हें किसी और की बैटल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में सजेशन जरूर देना।